Hello friends, how are you doing today? I hope you all are doing very fine. So today we have a very special topic. Before I begin the topic, I just request you all to watch the video till the end. Right, so today the chapter we have is based on daily uses. हम ज़्यादातर चीज़ें जो रोज़ यूज़ करते हैं, हर दिन काम में लेते हैं, उन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ है हमारा आज का टॉपिक. सो गाइज, इस चीज़ को, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. आप दिन में पता नहीं कितनी बार इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. तो मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के बारे में कि आज हम जो सीखने वाले हैं वो किस तरह से हम सामने वाले को एडवाइस देते हैं, यानी कि सलाह देते हैं. सलाह देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक सिंपल सा वर्ड इंग्लिश के अंदर. हिंदी में हम कहते हैं कि भाई तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए, तुम्हें वो काम कर लेना चाहिए, राइट? तो ये जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो इसके लिए, सलाह देने के लिए हमारे पास एक सिंगल वर्ड होता है और वो वर्ड है शुड. तुम्हें ऐसा करना चाहिए, जिसको भी आप कह रहे हो, जिसके लिए आप बोल रहे हो कि उसे ऐसा करना चाहिए, मेरे भाई को ऐसा करना चाहिए, मेरे पड़ोसी को ऐसा करना चाहिए, बस उसको बोलिए और उसके बाद आपको शुड, और शुड के बाद जिस काम के लिए आप सलाह देना चाहते हैं वो सलाह आप आगे बोल सकते हैं, वो काम आगे आपको बोलना होगा, वो काम, राइट? तो इसके बाद में भी वर्क की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. कई सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक चीज़ जो मैंने आपको बताई, ज़्यादातर स्टूडेंट्स वर्रिड होते हैं कि कब उनको वर्क याद होंगे, यानी कि वर्ब्स किस तरह से याद होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स कहाँ से लेके आएंगे. तो इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है. आप देख रहे होंगे हर एक वीडियो के साथ में पुराने वर्ड्स रिपीट होने के साथ साथ नए वर्ड्स ज़रूर आ रहे हैं, और जैसे जैसे आप इंग्लिश के चैप्टर्स यूज़ करेंगे, अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश यूज़ करेंगे, जब जब आपको डिफ़िकल्टीज होगी आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिख के भेज सकते हैं कि सर इस वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लीज बता दीजिए. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द आंसर, राइट? ओके, सो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है शुड, कि आपको ये काम करना चाहिए. एक और इंपॉर्टेंट चीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई परेशान नहीं होना है, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं वर्ब में, थर्ड फॉर्म बनाना, आईएनजी लगाना, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्क बोल देना है, राइट? जैसे कि आप मुझे ही कहें कि आपको काम करना चाहिए, आपको काम करना चाहिए, तो आपको या फिर तुम्हें, दोनों को हम इंग्लिश में सिर्फ यू कहते हैं. आपको ऐसा करना चाहिए, यू शुड वर्क. आपको काम करना चाहिए, यू शुड वर्क. यू शुड वर्क. आपको काम करना चाहिए, यू शुड वर्क. आप कहें कि आपको लाइक कठिन मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, राइट? तो वर्क यानी कि काम करना, और अगर वो मुश्किल है यानी कि कठिन है तो उसके लिए कहेंगे हार्ड. आपको वर्क हार्ड करना चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड. बोलो, यू शुड वर्क हार्ड. बोलना है आपको, यू शुड वर्क हार्ड. एडवाइस कर रहे हैं हम, सलाह दे रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना आपके लिए सही होगा, आपको ऐसा करना चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड. यू शुड वर्क हार्ड. यू शुड वर्क हार्ड. कैसे बोलेंगे? यू शुड वर्क हार्ड. यू शुड वर्क हार्ड. आपको वर्क हार्ड करना चाहिए, कठिन मेहनत करनी चाहिए. कोई बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाता है, बहुत बात बात पे, लाइक ये खर्चा कर दिया, वो खर्चा कर दिया, चलो कोई बात नहीं है, ये काम नहीं आ रहा है और खरीद लो. तो अरे यार, ऐसे बेकार में पैसे मत उड़ाओ, तुम्हें पैसे बचाने चाहिए, तुम्हें पैसे बचाने चाहिए. बचाना के लिए आप जानते हो अच्छे से, सेव करना बात हो रही है मनी की, आपको पैसा बचाना चाहिए, यू शुड सेव मनी. यू शुड सेव मनी. आपको पैसा बचाना चाहिए, यू शुड सेव मनी. यू शुड सेव मनी. यू शुड सेव मनी. यू शुड सेव मनी. अरे आपको वक्त बचाना चाहिए, यानी कि टाइम बचाना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? यू शुड सेव टाइम. यू शुड सेव टाइम. यू शुड सेव टाइम, राइट? आप अगर कहीं पे भी आप देखते हैं कि किसी को लेट आने की आदत है तो ज़रूर आप हिंदी में सलाह देते होंगे, यार टाइम से आ जाया करो. तो ये एक सलाह है, तुम्हें टाइम से आना चाहिए. कैसे कहेंगे? यू शुड. आना इज वेरी सिंपल वर्ड, कम, राइट? समय पर, ऑन टाइम यूज करेंगे इसके लिए. यू शुड कम ऑन टाइम. यू शुड कम ऑन टाइम. यू शुड कम ऑन टाइम, राइट? अगर आप किसी से मिलने जाते हैं कि किसी ऑफिसर से मिलने गए, किसी ऑफिस में गए, तो वहाँ पर मैनेजर है या फिर ऑफिसर है, ही इज़ नॉट अवेलेबल, राइट? तो आप उनके असिस्टेंट से पूछते हैं, मैं सर से मिलना चाहता हूँ, बताइए मेरे लिए कौन सा टाइम सही रहेगा. असिस्टेंट आपको एक सजेशन देता है या फिर आपको एक सुझाव जैसा कुछ, आपको एक टाइम बताता है कि इस वक्त पे आना आपका सही रहेगा, आपको सुबह में आना चाहिए, वो तभी मिल पाएंगे, राइट? तो आपको सुबह आना चाहिए, यू शुड कम इन द मॉर्निंग. यू शुड कम इन द मॉर्निंग.
यू शुड कम इन द मॉर्निंग, यू शुड कम इन द मॉर्निंग। कुछ सजेशंस आप लोगों के लिए मेरी तरफ से कि आपको कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ट्राई का मतलब कोशिश करना, आपको कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ट्राई, किस चीज़ के लिए कोशिश करनी चाहिए, किस काम के लिए कोशिश करोगे, वो काम आपको टू लगा के आगे बोल देना है। आपको ये काम करने की कोशिश करनी चाहिए, आपको इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे बोलेंगे? यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। बोलिए, यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। आपको एक और, आपको टाइम पर आने की कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ट्राई टू कम ऑन टाइम, यू शुड ट्राई टू कम ऑन टाइम। आपको पैसा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ट्राई टू सेव मनी, यू शुड ट्राई टू सेव मनी। होता नहीं है, मैं जानता हूँ, बहुत मुश्किल है जब खर्चे करने की आदत हो जाती है या फिर ज़रूरी भी हो जाता है बहुत जगहों पर, तो भी सोच समझ के खर्च करना चाहिए। तो आप कोशिश तो कम से कम कीजिए, आपको कोशिश तो कम से कम करनी चाहिए पैसा बचाने की। यू शुड ट्राई टू सेव मनी, यू शुड ट्राई टू सेव मनी, यू शुड ट्राई टू सेव मनी। और कोशिश किसकी की जा सकती है? मैं कहूँ कि आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए छोड़ देने की। छोड़ना को क्या बोलते हैं? गिव अप। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा गाइज, एक सेंटेंस और है, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना, लेकिन कई जगहों पर किसी चीज का त्याग कर देना भी होता है। और मैं बोल रहा हूं गिव अप के बाद में कुछ बुरी आदतें, मैं बोलूं कि आपको बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। यू शुड गिव अप बैड हैबिट्स, या फिर आपको बुरी आदतें छोड़ देने की कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ट्राई टू गिव अप, यू शुड ट्राई टू गिव अप बैड हैबिट्स, 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 यू शुड ट्राई टू गिव अप बैड हैबिट्स। आपको बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए, बुरी आदतें छोड़ देने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आपको स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ट्राई टू गिव अप स्मोकिंग, यू शुड ट्राई टू गिव अप स्मोकिंग, राइट। आपको ये काम करने की ये काम करने की जो आदत है, ये बुरी आदत है, इसको छोड़ देना चाहिए, राइट। यू शुड ट्राई टू गिव अप स्मोकिंग, यू शुड ट्राई टू गिव अप ड्रिंकिंग, यू शुड ट्राई टू गिव अप च्युइंग टबैको, टबैको इन तंबाकू, राइट। च्यू करना यानी कि चबाना, राइट। आपको ये नहीं चबाना चाहिए। यू शुड नॉट च्यू टबैको, यू शुड नॉट च्यू टबैको, यू शुड नॉट च्यू टबैको, यू शुड नॉट च्यू टबैको। आपको तंबाकू नहीं खाना चाहिए, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए हम शुड के साथ में नॉट लगा देंगे। यू शुड नॉट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, शुड के बाद में हमें बोल देना है नॉट। यू शुड नॉट, शुड नॉट को एक साथ बोलेंगे शुडन, शुडन। टी तो हमें बोलना ही नहीं है, इस टी को नहीं बोलना है, सिर्फ इतना ही बोलना है शुडन, यू शुडन। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, यू शुडन वेस्ट टाइम, यू शुडन वेस्ट टाइम, राइट। तो करना चाहिए और नहीं करना चाहिए दोनों सेंटेंस आप बोल सकते हैं। किसी की तबीयत खराब है, बार बार हम देखते हैं कि छींके जा रहा है या फिर सांस नहीं लिया जा रहा है, अरे भाई सर्दी का मौसम है, स्वाइन फ्लू जगह जगह पे फैल रहा है, तुम्हें डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए, उनसे परामर्श लेना चाहिए। तो वो मशवरा लेना या परामर्श लेना स्पेशली डॉक्टर से, तो हम हमेशा कंसल्ट करेंगे, कंसल्ट टू किससे करेंगे? द डॉक्टर, कंसल्ट टू द डॉक्टर। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, यू शुड कंसल्ट टू द डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट टू द डॉक्टर। आपको अपनी बीमारी को अनदेखा नहीं करना चाहिए, अनदेखा करना, अनदेखा करना यानी कि अवॉइड करना, यू शुड नॉट अवॉइड, यू शुड नॉट अवॉइड। एक और वर्ड है अनदेखा करना के लिए और वो है इग्नोर। आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट इग्नोर, यू शुड नॉट अवॉइड, यू शुड नॉट अवॉइड, यू शुड नॉट अवॉइड, यू शुड नॉट इग्नोर। आपको अपने दोस्तों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट अवॉइड योर फ्रेंड्स, यू शुड नॉट इग्नोर योर फ्रेंड्स, यू शुड नॉट इग्नोर योर फ्रेंड्स। आपको डिजीज यानी कि बीमारी को अनदेखा नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट अवॉइड डिजीज, यू शुड नॉट अवॉइड
डिजीज़, यू शुड नॉट अवॉइड डिजीज़। आपको पढ़ाई को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट अवॉइड योर स्टडी, यू शुड नॉट अवॉइड योर स्टडी, यू शुड नॉट अवॉइड योर स्टडी। आपको अपनी फैमिली को अनदेखा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट अवॉइड योर फैमिली, यू शुड नॉट अवॉइड योर फैमिली। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। यू शुड अवॉइड, यू शुड अवॉइड, आपको अनदेखा करना चाहिए। यू शुड अवॉइड, यू शुड अवॉइड, आपको अनदेखा करना चाहिए। जिस भी चीज़ के लिए आप बोल रहे हो कि आपको ये चीज़ अनदेखा करना चाहिए, आपको सिर्फ वो बोल देना है। जैसे कि मैं कहूँ कि आपको अनदेखा करना चाहिए किस चीज़ को, लाइक बुरे लोगों को। यू शुड अवॉइड बैड पीपल, यू शुड अवॉइड बैड पीपल, यू शुड अवॉइड बैड पीपल, यू शुड अवॉइड मिस्टेक्स, यू शुड अवॉइड मिस्टेक्स ऑफ योर रिलेटिव्स। अपने रिश्तेदारों की या फिर अपने फ्रेंड्स की गलतियों पर इतना ध्यान मत दीजिए। गलती करते हैं, हो जाती है, माफ़ कीजिए। यू शुड इग्नोर, यू शुड इग्नोर योर लाइक यू शुड इग्नोर मिस्टेक्स ऑफ योर फ्रेंड्स, यू शुड इग्नोर मिस्टेक्स ऑफ योर फ्रेंड्स। तो ऐसा आपको करना चाहिए, यू शुड, और नहीं करना चाहिए। शुड के जस्ट बाद में आपको नॉट यूज करना है, यू शुड नॉट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। अब अगर आप यू की बजाय किसी और के लिए कह रहे हो कि उसे ऐसा करना चाहिए, तो आप यहां पर ही बोल देंगे। कोई लड़की के बारे में अगर आपकी एडवाइस है तो आप शी बोल देंगे। अगर आप बोलेंगे कि भाई आपके भाई को ऐसा करना चाहिए, तो क्योंकि आपका भाई, तो बोलेंगे योर ब्रदर, योर ब्रदर। इसको योवर नहीं बोलना है, इसको योर बोलना है। क्या बोलना है? योर, योर ब्रदर, योर ब्रदर, योर ब्रदर, राइट। जैसे कि मैं कहूं कि आपके भाई को पढ़ाई करनी चाहिए, योर ब्रदर शुड स्टडी, योर ब्रदर शुड स्टडी, राइट। मैं बोलूं कि आपके दोस्त को डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए, योर फ्रेंड शुड कंसल्ट टू द डॉक्टर। आपको सीखना चाहिए, यू शुड लर्न, आपको सीखना चाहिए, यू शुड लर्न, आपको सीखना चाहिए। जो भी चीज़ सीखनी है लर्न के बाद में हमें बोलनी चाहिए। जैसे कि मैं बोलूँ कि आपको डांस सीखना चाहिए, यू शुड लर्न डांस। आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको ड्राइविंग सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न driving, you should learn driving. Guys, very simple chapter. I hope you enjoyed this, you loved this, and for today the chapter is over. Guys, it was wonderful meeting you all. Take care, guys. Thank you so much for watching the video till the end. Have a good day. Thank you.